इनके पदाधिकारी जो सरकार के पदाधिकारी हैं, ये बिल्कुल शराब माफियाओं से मिलके शराबबंदी लागू नहीं होने दिए, सब जगह शराबें मिल रही है। और आप अभी कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे, इसका मतलब कि जो भी बाहर भी जाके पिएगा उसको भी आप नौकरी नहीं देंगे? तो लोग बाहर जाते हैं शादी ब्याह, आप क्या ना बंदी है? आपको सबसे पहले DGP को आपको सस्पेंड करना चाहिए, बड़े पदाधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए, तब देखिए शराबबंदी लागू कैसे होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से पहल किए जा रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। और अब बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाने की भी बात बिहार की सियासत में चल रही है। जैसे में सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा वैसे लोगों को जो शराब पीकर पकड़े जाएंगे। हालांकि अभी शराबबंदी कानून में कोई संशोधन नहीं हुआ है, मगर उससे पहले बिहार की सियासत ज़रूर गर्मा गई है। देखिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, क्या कुछ कह रहे हैं बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर, किस तरीके से गुस्सा फूटा है उनका, सबसे पहले आप वो सुनिए। अब देखिए, इनकी शराबबंदी हम लोगों ने सभी मिलजुल के किया था, लेकिन इनके पदाधिकारी जो सरकार के पदाधिकारी हैं, ये बिल्कुल शराब माफियाओं से मिलके शराबबंदी लागू नहीं होने दिए, सब जगह शराबें मिल रही है और शराब के आड़ में जहरीली शराबी बिक रही है, जो मौतें हो रही है। रोज नई नई नीति बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया जो शराब पिए वो हिंदुस्तानी भी नहीं है। तो सवाल है कि आपके पूरे देश में लागू है नहीं शराबबंदी, और आप अभी कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे, इसका मतलब कि जो भी बाहर भी जाके पिएगा उसको भी आप नौकरी नहीं देंगे? तो लोग बाहर जाते हैं शादी ब्याह, आप क्या ना बंदी है? पहले इनको चाहिए कि इनकी सरकार NDA की भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में भी है, पहले पूरे देश में लागू करें ना, फिर ये नौकरी नहीं देंगे, राशन कार्ड नहीं बनेगा। अब गरीब लोग, राशन कार्ड किसको मिलता है? गरीब लोगों को। अब गरीब लोग तो ताड़ी उतारता है घास से, उसको धूप में रख के उसमें नशा हो जाता है, तो उसको आप टेस्ट कीजिएगा तो नशा दारू पिया बोलिएगा, तो ताड़ी पीने वाले भी अब उसको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, तो ये गरीब के साथ अन्याय है। नीति ऐसी बननी चाहिए जो कि पूरे देश में लागू हो, सिर्फ बिहार में नीति बनाने से तो कुछ होगा नहीं। ये शराबबंदी आपके पदाधिकारी, आप कार्रवाई कहाँ किए हैं? शराब अगर बिहार में आ रहा है, आपको सबसे पहले DGP को आपको सस्पेंड करना चाहिए, बड़े पदाधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए, तब देखिए शराबबंदी लागू कैसे होता है। आप नई नई नीति ला के आप गरीब जनताओं को आप उसके अधिकार से छीन रहे हैं, जैसे राशन कार्ड हो गया, नौकरी नहीं मिलेगा आपको, अब कहेगा पेंशन नहीं मिलेगा कोई नौकरी करता है, तो ये सब चीज़ें नीति चलने वाला नहीं है, जनता इसको माफ़ नहीं करेगी आपको। लेकिन आप पहले शराबबंदी लागू करिए, उसके बाद नीति लगाइए ना। आप तो एक दिन कह दिए जो शराब पिएगा वो हिंदुस्तानी ही नहीं है, इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए। नियम बनाना चाहिए और जो पदाधिकारी लागू न करे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना अजीत शर्मा को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून सफल बनाना है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई करनी होगी, वैसे अधिकारियों पर जो कि शराबबंदी कानून को विफल बनाने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि सरकारी सुविधाओं से वंचित करने की जो बात कही जा रही है, तो पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार JDU BJP से बात कर पूरे देश में इसे लागू कराए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।